सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुश मांडा IAS HCS अकेडमी को और दबाए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो एवरीवन, आपका सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने कुश मंडा IAS एकेडमी में। चलिए आज हम कुछ एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और पहला क्वेश्चन आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर है। देखिए 64 की पावर का स्क्वेयर आपको कर रहा है, तो डेफिनेटली देखिए अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 × 4 यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे वो कभी 5 नहीं आएगा, 6 ही आएगा। तो वो ऑप्शन 3 और 4 तो गलत, आपका ऑप्शन बच गया आपका 1 और ऑप्शन 2। अब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को सॉल्व करेंगे 65 × 65 करके देखेंगे। मैं तो मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट का सम 10 हो तो पहले 5 × 5 कर लेंगे 25 आ जाएगा और 1 बढ़ा करके 6 से 42 आ जाएगा। तो यानी कि लग ये 1024 तो 56 नहीं होगा, तो यही बच गया हमारा 4096। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। 125 का स्क्वायर निकालना, तो 5 × 5 = 25 यूनिट डिजिट को मैं सॉल्व करूंगा, तो 5 × 5 = 25 यूनिट डिजिट का सब अगर 10 है तो 5 × 5 = 25, 12 गुना में फिर मैं क्या करूंगा 13 करूंगा, और 12 × 12 144 होता है, जब हम 12 तो 156 आ जाएगा, तो इसको मैं आगे लिखूंगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिक्स थ्री टू फोर का स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा। सिक्स थ्री टू फोर का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर 16 किया, यानी कि 6 वाला ऑप्शन हो गया। ये दो तो कट गए, तो इसका तरीका देखिए कैसे होगा। पहला स्टेप आपको करना है 4 का स्क्वायर करें, उसके बाद आपको करना है 2 × 2 × 4 जो कि 16 आ गया, तो 6 की 1 ऐसे लिखूंगा। तीसरा स्टेप देखें 2 × 6 × 4 प्लस में 2 × 3 × +2 का स्क्वायर भी चलता रहेगा, फिर आगे वाली वैल्यू उसको नीचे इस तरह से सबस्क्रिप्ट में लिखें 2 × 6 × 4 प्लस में 2 × 3 × 2 60। तो अगला स्टेप हमारा 2 × 6 × 3 = 36। सिक्स का स्क्वायर काफी बड़ा हो जाएगा वैसे तो, ये मैं इसका शॉर्ट ट्रिक जरूर ढूंढूंगा और आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल हम इसका आंसर देखते हैं क्या निकलेगा। चलिए तो 39, इसका बेसिक जरूर बताता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में इसका एक और ट्रिक देखेंगे, ये काफी बड़ा लग रहा है मुझे।
चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बहुत ही शॉर्ट ट्रिक जरूर आपको बताऊंगा। फिलहाल ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। देखिए आपको ये 6 और 3 जो लिखा हुआ है इसे ऐड करना है, 6 3 ऐड करना है, 0 2 इस तरह से ऐड करना है। ये सब मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको सारी डिटेल आपको बता दूंगा। मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं ABCD करके मैंने क्या क्या किया इसके साथ। एक बार ये मान लीजिए 4 अक्षर है की संख्या है, उसके सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, D का स्क्वायर करें। दूसरा स्टेप होगा 2CD करें, ठीक है। तीसरा स्टेप होगा 2BD प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ स्टेप आपको करना है 2 into A into D प्लस 2 into B into C, ठीक है। और फोर्थ स्टेप 2 into A into C प्लस बी स्क्वायर, और छठा 2 into A into B। लास्ट स्टेप आपको करना है ए स्क्वायर। चलिए अब अगर 5 अंकों की संख्या आ जाए उसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले आप क्या करें, ABCDE मान लीजिए 5 अक्षरों का स्केल करना। मैं आपको सारे स्टेप बताता हूँ, आप उसमें पुट कर करके खुद से करना। तो पहला ई स्केल, दूसरा टू ई टू डी ई, तीसरा 2CE प्लस में डी स्केल, चौथा 2BE प्लस में 2CD, पांचवा 2AE प्लस में 2BD, BC, और आगे 7वां स्टेप मैं वहां लिख रहा हूँ 2 into A into C प्लस में बी स्क्वायर, टू इंटू ए इंटू बी, और लास्ट है ए स्क्वायर। चलिए अब हम आगे बढ़ते, तो 4 बार 1 लिखा हुआ है उसका स्क्वायर बताना आपको। देखिए सिंपल सा बात है, 4 बार 1 लिखा है तो सीधा सा पहले लिखे 1 2 3 4, फिर रिवर्स कर दें 4 3 2 1, यही आंसर होगा सीधा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा 5 अक्षरों अगर एक हो तो उसका आंसर क्या होगा। 3 बार 3 का स्क्वायर है ये, देखें तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर इंटू में 1 2 3 4, क्योंकि एक 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 का स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूं, तो ये इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 1011089। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तीन बार तीन है उसका स्क्वायर बताना है। देखिए कभी 3 बार 3 अगर आ जाए एक साथ तो सबसे पहली बात, 3 बार नहीं है सॉरी 4 बार है, 4 बार 3 है, सबसे पहले आपको अगर 3 का कभी भी ऐसे स्क्वायर करेंगे तो पहले जितनी बार भी 3 लिखा होगा उससे 1 कम बार 1 1 लिखे, आके रूल बताता हूँ, फिर 0 लिखो, ये फिक्स रहेगा हमेशा। और उसके बाद जितनी बार आपने 1 1 लिखा है उतनी बार आपको 8 8 लिखना है, और लास्ट में लो जी फिक्स रहेगी। ये बातें फिक्स रहेंगी आपकी कि जितनी बार भी 3 लिखा हुआ है, अब जैसे मान लीजिए 3 बार है तो मैं इसको सिर्फ 2 बार लिखूंगा,
एक, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं एक 0 लिखूंगा और 2 बार 8 8 और फिर से 9, जैसे कि मैंने पिछले आंसर बताया था। क्लियर है? अब सिमिलरली 6 वाले में क्या करना है, जितनी बार 6 लिखा हुआ है आपको 3 बार आपको क्या करना है, 4 बार अगर 6 लिखा हुआ है तो 3 बार आपको 4 4 लिखना है। तो आप लिखेंगे मान लीजिए जैसे कि 3 बार है, 4 बार है, 6 6 6 3 4 बार 6 का स्क्वायर है, तो पहले सबसे पहला काम 3 बार, जितनी बार 4 बार 4 लिखें, फिर लिखें 0, सॉरी माफ कीजिएगा, फिर आपका 3 आएगा 6 वाले में। 0 वाला किसके, कौन सा केस था, पिछले वाला था, तो ये आएगा 5 5 5 और लास्ट में आपका 6, ये रूल रहेगा हमेशा, फिक्स रहेंगी ये चीजें। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे इसका आंसर बताएगा, 3 बार 6 वाले का। तो आगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 4 बार 9 दे रखा है, 4 बार 9 दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा। सेम आपको क्या करना है, 4 बार 9 है तो 3 बार 9 को सबसे आगे लिखे 8 लिखे, और जितनी बार 9 लिखा उतनी बार आपको 0 लिखना है, यहाँ पर 3 बार 0 और लास्ट में आएगा 1, लास्ट में आपको 1 लिखना है, एक सेकेंड, हाँ 1 लिखना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एट्टी सेवन का स्क्वायर करना है, तो मेरा तो ये मानना है, सीधा गुना करके देख लें। देखिए ऑप्शन 1 और 4 तो होगा नहीं, ऑप्शन 2 और 3 में से होगा, क्योंकि 7 7 49 होता है, तो मेरा ये मानना है आप गुना करके देखें इसको साधारण रूप से। तो ऑप्शन 3 आ जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, 2 2 2 है, इसको किस तरह से करेंगे, देखिए बड़ा ही सिंपल, यूनिट डिजिट देखें, यूनिट डिजिट 2 2 4, 2 2 4 है, लेकिन 222 है। हाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 बार, आप एक काम करें सर, मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ, इसे रफ करके, 1 मिनट रुके, देखो 2 2 2 का स्क्वायर देखो किसके बराबर होगा, गुना में याद रखिएगा, किसी पूर्णावृत्ति वाली, वृत्ति वाली संख्या का घन, जो घन होगा उसी संख्या, एक्चुअल में ये ना ऊपर 3 लिखा हुआ है, हमारा आंसर जो गलत आ रहा है वो 3 लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, देखो 3 लिखा हुआ है, दो दो वो 2 2 4 वाला नहीं है, 3 है वो, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, 2 2 4 2 8, आप सिंपल तरीके से भी करेंगे। तो ये मैंने लाइन लिख दी, किसी पुनरावृत्ति वाली संख्या का घन उस संख्या के वर्ग में उस संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है, तो देखिए 2 2 4 हो जाएगा और 4 2 8, लास्ट में 8 आएगा, तो ऑप्शन 3 होगा, वो एक्चुअल में वो मिस प्रिंट है। चलिए तो थैंक यू।